नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये पीले वाले पके हुए कद्दू का सूप बनाना बताऊंगी। ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे आप पी के आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज्यादा इसमें फाइबर होता है। तो ये आप बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ये सूप कैसे बनाते हैं, हमें इसे क्या क्या सामग्री लगेगी। हमने 2 कप कद्दू को काट के ले लिया, छील के और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिए। पीला वाला पका हुआ कद्दू, 1 बड़े साइज का प्याज हमने काट के ले लिया है, 1/2 कप होगा करीब। 1 बड़ा सा लहसुन है, 1 क्लोव हमने ले लिया है। अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो छोटे छोटे हैं तो 4-5 ले लें। 1/2 छोटा चम्मच हमने पेपर पाउडर ले लिया है। स्वादानुसार नमक हमने ले लिया है। इसके अलावा 1 चम्मच हम ऑलिव ऑयल का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट ये सूप बना के तैयार कर लेते हैं। हम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। बहुत ही कम तेल में ये सूप बन जाता है। हम इसे ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में या फिर बटर डाल के भी बना सकते हैं। ये गार्लिक को हम इसमें चॉप करके डाल देते हैं, छोटा छोटा काट के डाल देंगे हम इसमें गार्लिक। इसके साथ ही हम ये प्याज भी इसमें डाल देते हैं। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा हम भून लेंगे। अच्छे से हमें इसे भूनना है। पंखी को भी डालने के बाद हम इसे हल्का अच्छा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, 2-3 मिनट हमने इसे भूनना है। प्याज को अच्छे से 2-3 मिनट भूनना है। ये देखिए प्याज भुन गया है, इसी में ये कद्दू भी डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से 4-5 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से भूनना हमें इसे जरूरी है, थोड़ा सा ब्राउन चित्तियां आ जाए, प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए पंपकिन के ऊपर भी अच्छे से ब्राउन चित्तियां आ जाए, तो हमें इसे भूनना ही है। अब इसमें डालेंगे ये 2 कप पानी, नमक डाल देते हैं। उसके बाद ढक के हम इसे पंपकिन को अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। पेपर में हम डाल देते हैं, आप चाहें तो ऊपर से डाल के भी पी सकते हैं। पैन में ढक्कन लगा देते हैं और पंपकिन के सॉफ्ट हो जाने तक पका लेते हैं। ये देखिए पंपकिन हमारा पक गया है, ये देखिए एकदम गल गया है। हाथ से दबा के देखते हैं, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। गैस हम बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा हो जाने देते हैं। हमें इसकी बनानी है प्यूरी, तो हम इसको पानी इसका छोड़ देते हैं और ये पंपकिन और प्याज वगैरह हम सब निकाल के मिक्सी के जार में डाल देते हैं। ये देखिए चाहे तो आप छन्नी से छान ले, सारा इसका स्टॉक अलग कर ले और ये पंपकिन पका हुआ अलग कर ले। ये देखिए इसे हम एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं, पीस लेते हैं इसे हम। ये देखिए ये हमने इसकी प्यूरी बना ली है, एकदम स्मूथ अच्छी सी प्यूरी इसकी बन गई है। ये हम इसी पानी में डाल देते हैं जिसमें हमने कद्दू को पकाया था, इसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अच्छा सा इसे बॉयल आ जाने देते हैं इसमें हम। इस सूप हमारा बॉयल हो गया है, तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा पंपकिन का सूप बनके तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये सूप बना है। आप भी इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि पंपकिन हर जगह हर मौसम में मिल जाता है। पका हुआ ये पंपकिन आपको बहुत ही आसानी से किसी भी सब्जी वाले की दुकान में मिल जाएगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये सूप बना के पीजिए, बहुत ही आसानी से आप इस सूप को बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।